नहीं लंबा होने के लिए उल्टे लटक जाते थे चमगादड़ से। पिछले साल जून के महीने में जब सरकार ने ये अग्निपथ स्कीम अनाउंस किया था, उसके बाद ये भर्ती की प्रतिक्रिया जो है उसके बाद इमीडिएटली प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। और हमने यहाँ पे जबलपुर में हमारे सेंटर में भर्ती होने की कार्रवाई देखी है अपनी आंखों से। और जो ZRO जबलपुर है, उन्होंने अपनी जो MP के जो हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जितनी भी भर्ती हुई है वो यहाँ पर हुई है भर्ती। तो उस टाइम हमने देखा कि जिस तरह का उत्साह हमने देखा, ये जो युवा थे यहाँ के, बहुत भीड़ उभर के आई थी और बहुत बढ़िया तरीके से और इनके एक निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे भर्ती की कार्रवाई हुई थी। और इनका पहले फिजिकल टेस्ट हुआ, फिर मेडिकल हुआ और उसके बाद इनका जब रिटर्न टेस्ट हुआ, रिटर्न टेस्ट के बाद अब जब ये फाइनली हमारे पास जो है पूरे दुनिया इंडिया में जहाँ जहाँ पे ARO से हमारे पास पूरे अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं, तो ये 25 दिसंबर से हमारे पास फिजिकली अग्निवीर जो है रिपोर्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक जो है इनका समय बांटा गया था, या अलग अलग टाइम पे जो रिक्रूटिंग ऑफिसर्स ने इनको डेट दी थी उसके हिसाब से ये हमारे पास आए थे, रिपोर्ट किया उन्होंने। और वो जो 7 दिन का समय था वो इनका इस्तेमाल हुआ बेसिकली इनका ओरिएंटेशन के लिए, थोड़ा सा हेयर कट, जो किट इशू वगैरह, और उस तरह से इनको बेसिकली तैयार किया गया। ओरिएंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी की गई और 1 जनवरी से इनकी जो है ट्रेनिंग जो है ये प्रारंभ हुई हमारे सेंटर में। जो हमने अभी इन लड़कों में शुरू में देखा है, इनका बहुत ज़्यादा जोश है और ये बहुत ही उत्साहित हैं अपनी ट्रेनिंग को लेकर। मुझे लगता है ये इनमें एक खुद में एक अच्छा करने की भावना है, एक दैट फायर इन द बेली जो कहते हैं वो है इनमें, क्योंकि ये खुद पूछते हैं कि हमारे टेस्ट वगैरह कब होने हैं और डेट्स वगैरह ये अपने मे बी प्लान करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जो भी अच्छा करना चाहते हैं, एग्जाम में परफॉर्म करना चाहते हैं। इसलिए ये इनमें जो जोश देखा मैंने ये बहुत अच्छा है। और जो मेरे को फीडबैक मिलता है इनके इंस्ट्रक्टर से कि पहले के रिक्रूट में और अभी के जो जवान आ रहे हैं हमारे पास, जो रिक्रूट आ रहे हैं अग्निवीर में, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सामने देखना मत, चलाना मत, खाली है। डिटेल सीखे हुए तरीके से हथियार को खोल दे। मैं अग्निवीर अभिषेक भारद्वाज, पुत्र श्री पुष्पिंदर कुमार, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा का रहने वाला हूँ। अग्निवीर में सिलेक्शन होने से मेरे साथ मेरे परिवार और परिजनों में हर्ष और खुशी का माहौल है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भारतीय सेना में शामिल होने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय सेना का, जिसकी निष्पक्षता के साथ और कठिन परिस्थिति का सामना कर मैं यहां तक पहुंचा। मैं जानता हूं कि अग्निवीर में सेलेक्ट होने से लेकर अंतिम पग तक का सफ़र आसान नहीं होगा, उसके लिए मुझे कठिन परिश्रम और मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं अपने उस्तादों की सिखलाई से लेकर अपना बेस्ट करूंगा और अग्निवीर में
अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा। मैं बहुत उत्सुक हूँ नए हथियारों की ट्रेनिंग प्राप्त कर उन्हें फायर करने की और एक फौजी की तरह क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए एक नई जीवन शैली को अपनाने की।